ये वाले दे दो। कितने? 3 किलो दे दो। सो मैंने लड्डू ले लिए गाइस। कितने लिए हैं बता दूं अभी मैं फिलहाल, ये देखो 3 किलो लेके जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो अभी 2 किलो वापस और लेने के लिए आऊंगा। ये एक परात है, ठीक है, इसमें डालना है, पन्नी में लेके जाओगी? लड्डू नरम है, टूट जाएगा। और एक ये टोटल नहीं, पानी गिरने की आवाज आती है ना, तो वैसी आवाज आई थी। और ये कुल बुला रहा था, मुझे लग रहा था कि इस पेशाब लगा हुआ, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया, मुझे लगा कि थोड़ा और रेस्ट करने देता हूँ, पर इसने तो अभी ताती करा दे वीडियो बनवा छर के मार के गड़िया टूट चिते। ये क्या है पहले बताओ तो सही। अरे सीधा काट रही, पहले बताओ ना यार। ये ना मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था बाबू के लिए, देखते कैसा है। सो गाइस ये है बाबू का, हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मैं। बाहर में बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा है और इधर मेरा बेबी शो रहा है। इसको बंद कर देता हूँ गाइस, थकी इधर से बस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। आई एम राहुल एंड आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो रात को ही हमने ये, अब तो हर चीज नई नई आती रहती है, और इससे कल भी मैं विशाल मेगा मार्ट में गया था बाबू के लिए, दो चार ऊपर के लेके आया था टी शर्टें और 2 पैंट लेके आया था। ये ऑनलाइन हमने मंगवाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सो आर यू रेडी? ये देखो गाइस, बस सब कुछ अच्छा सा निकल जाए। छोटी छोटी चीजें जो बेबी को होती है ना लाने में, काफी अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे हाथ पैर वाले। पहले हम सोचते थे, अब वाओ तो ये काफी ज्यादा कलरफुल है, क्या बात है। देखो गाइस, मैडम ने भी ये वाला कलर पहन रखा है और ये वाला सेम कलर ये है, ऐसे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो रैपर तो यहाँ निकल चुका है। सो गाइस देखो क्या निकला, ये है बाबू का पजामा और ये, और बाबू के लिए ये है हुडी। ये काफी अच्छा कपड़ा है, ये एक कलर ये है, दूसरा ये थोड़ा सा पिंक कलर है क्योंकि ये है विंटर के लिए, और जो फर्स्ट वाला है ना वो वाला है गर्मियों के लिए था। तो अभी गर्मी अब खत्म होने वाली है, विंटर आने वाला है, तो अब बेबी के लिए गर्म कपड़े ही लेने पड़ेंगे। और इसके अंदर प्रिंट जो है खरगोश का दिया हुआ है, और एक और ये देखो हर के साथ एक पजामा दिया हुआ है, ये वाला ब्लू वाला देना बेबी। सो ये गाइस ब्लू कलर का है, ब्लू में ना थोड़ा ना खरगोश जो है ना प्रिंट किया हुआ वो ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो ये देखो, इसके साथ भी एक लोअर है, काफी गर्म कपड़ा है, और ये हुडी, किसी के अंदर कोई कटवीस वगैरह तो नहीं है ना। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हैप्पी हैप्पी। सो मैं भी हैप्पी हूँ, ये भी हैप्पी है, और जब से हमारा बाबू हमारे घर के अंदर है सभी हैप्पी है, बहुत खुश। जितने भी कपड़े लाते हैं ना अपने पसंद के, जो इनको कलर इनके पास ऑलरेडी है वो कलर आ जाने चाहिए, क्योंकि इनको लगना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए और दूसरे जो लोग देखे ना उनको भी लगना चाहिए, हाँ ये इन्हीं का बच्चा होगा, तभी ये कलर कॉम्बिनेशन कपड़े लेके आती है। सो फिलहाल अभी इसको वापिस से पैक कर देना है और आगे देखते हैं। फिलहाल अभी मम्मी जो है ये वापिस से, बच्चे की मम्मी जो है ये वापिस से पैक कर देंगी। बाकी गाइस आगे कैसी है कुछ मालूम नहीं है, ब्लॉग देखते रहो, एंजॉय करते रहो। सो फिलहाल गाइस अभी हो रहे हैं 1:30 और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल बैठ कर जो पिछला ब्लॉग था वो सारा एडिट किया है, और अभी जा रहा हूँ गाइस मैं रोड पर, क्योंकि हमने जब से बाबू आया हमारे घर के अंदर तब तक हमने अभी तक मैंने गली में किसी को लड्डू वड्डू बांटे नहीं है, तो हमारे गली के अंदर जितने भी सदस्य हैं घरों के अंदर, मतलब जितने भी घर हैं उन सबको मुझे लड्डू खिलाना है या रसगुल्ला खिलाना है या काले जामुन खिलाना है, जो कुछ भी खिलाना है अभी दुकान जाने के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन लोगों की पसंद होती है रसगुल्ले खाने की, लेकिन हम लोगों की पसंद गया तेल लेने, जो भी अच्छी चीज होगी उसको खिलाएंगे जो शुभ होगी। मस्त एकदम सीधे सीधे नोट निकले हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अबे तेरी उड़ कर रहा है। सो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस इधर लड्डू की दुकान पे लड्डू पता करने, बाकी यहाँ के रोडों का नजारा देख सकते हो, काफी ज्यादा स्पेस आउट है, लेकिन अभी इस रोड पर काम काफी ज्यादा बाकी है। एक सामने नजर आ रही है मुझे एक हलवाई की दुकान, ये वाले दे दो। कितने? 3 किलो दे दो। वैसे दे दो, कैसे दोगे मतलब पन्नी में? एक डब्बा दे देना, एक नहीं नहीं पन्नी में ही दे दो, वैसे भी फिर घर से जाएगा।
कम पड़ेगा तो दोबारा आ जाओ। मैंने लड्डू ले लिए गाइस, कितने लिए हैं बता दूं अभी मैं फिलहाल, ये देखो 3 किलो लेके जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो अभी 2 किलो वापस और लेने के लिए आऊंगा। वैसे मैंने जो अनुमान लगाया मैं लगभग 5 किलो लड्डू का, लेकिन अभी 3 किलो ही बांटूंगा, कम पड़ेगा तो दोबारा आ जाऊंगा। एक भाई मैंने पहले पूछा किसी दुकान पे गया था, बहुत महंगे बोल रहा था, मतलब 20 रुपए मेरे को 1 किलो लड्डू पे ज्यादा महंगा पड़ रहा था। मैंने बोला थोड़ा कम कर लो, तो उसके क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो लड्डू काफी साफ सुथरे हैं और इन्होंने बोला कि कल ही बनाया था, तो फिलहाल इतने में मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन देखो नहीं होगा तो आएंगे वापस। वैसे इनसे मैं रेट कम कराने की सोच रहा था पर इन्होंने करा ही नहीं, और सोचने वाली बात क्या, मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा और कम कर लो, बोलो ऑलरेडी मैंने इतने कम कर रखे हैं, मैं और कम कितना कर सकता हूँ यार। बाकी गाइज मेरी गली का सीन कुछ ऐसा है, देखो मैं जो ऐसे करके लेके जा रहा हूँ ना, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि मैं लड्डू लेके जा रहा हूँ। तो गली में जैसे मैं प्रवेश करूँगा, वैसे ही मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को तो जो गली के अंदर बैठे रहते हैं ना बाहर में, मुँह ताक कर खड़े रहते हैं, मुझे वो पता चला कि भाई हाँ बटने के लिए आया है आज ये लड्डू। खैर कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और धूप आजकल नॉर्मल ही है, ठीक ठाक है। ये ज्यादा नहीं, मैं 3 किलो लेके आया हूँ, कम पड़ेगा तो मैं दोबारा और लेके आऊंगा, बाकी कम पड़ेगा तो बोला। ऐसे रसगुल्ले से ज्यादा सस्ते थे लड्डू, देख कैसे है, बोला कोई से भी ले ले, इसमें बता इससे लगे हुए कल के लड्डू है। सो गाइस मैं लड्डू तो लेकर आ चुका हूँ और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर, ये मेरा परसों का ब्लॉग है 1-2 दिन पुराना, तो इसको अभी मैं एडिट कर लिया हूँ और ये रेंडरिंग के लिए लगा, और कुछ ही देर के बाद मैं दूसरा ब्लॉग शूट करने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा चैलेंज है मैं अपने आप से कि मैं 3 ब्लॉग एडिट करने वाला, फटाफट से एडिट करता हूँ। और जो लड्डू आए हैं वो गली में जाएगी सिर्फ और सिर्फ मम्मी बांटने के लिए, तो मैं जल्दी गली के हर घर में जा जाके बांटता नहीं हूँ। टोटल मैंने वैसे जोड़ा है 35 हाउस है, ब्लेड वाली तक ला? हाँ पूरे कोने कोने तक चला जाएगा। कौन कोने तक? ब्लेड वाली तक चला जाएगा लड्डू। रोहन के क्या हो गया, तू तो खा चुकी है, अब कितना खाएगी, इसको एक लड्डू दे चुका हूँ ऑलरेडी मैं। सो गाइस अभी फिलहाल मम्मी आ गई है, अब लेके जाएगी बांटने के लिए। मैंने कुछ समय के लिए खाली फ्रिज के अंदर डाल दिया था, ये एक परात है, ठीक है ना, इसमें डालना है, पन्नी में लेके जाओगी, लड्डू नरम है टूट जाएगा, झाके ला देना, इसके ऊपर कपड़ा रख दो। ये टोटल लड्डू मतलब कि 75 है समझी, बाकी इतने ले जाओ, कम पड़ेगा तो और आ जाएगा, ठीक है। कपड़ा गाइस घर में ना अभी तक कोई भी लड्डू नहीं खाया है, लेकिन भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद सबसे पहले जो लड्डू खाया है ना वो ये खाई है, और कोई नहीं खाया है। फिर भी इसको ना मतलब और चाहिए और चाहिए, हम तो एक लड्डू का एक दाना भी नहीं खाया, लेकिन इस लड़की को चाहिए। मैं एक लड्डू भी नहीं खाया मम्मी, और ना ही अंकित खाया ना रंजित खाया, लेकिन इसको एक लड्डू मिल चुका है इसको और 2 रसगुल्ले भी खा चुके बड़े बड़े, मेरे बाबू की सेवा कर रही है। टेंशन मत ले, बचेगा तो सबसे ज्यादा तुझे ही खिलाएंगे अब, ठीक है, बट के आने दे। फाइनली मम्मी जा रही है, पहले एक परात बांट के आओ, ठीक है, हाँ उतना ठीक है, फिर थोड़ा इधर कर देता हूँ, चलो सबको बच के आना मम्मी, ठीक है। पहले कहाँ से शुरुआत करिए? पहले बगल में से शुरुआत कर और राइट साइड चल जा, है ना, और बाकी उधर से जो इधर जो जाना होगा ना, फिर उधर से जब वापस लौट के आएगी ना तब इधर की देना, मतलब लेफ्ट साइड देना स्टार्ट करना, ठीक है, हाँ ठीक है। सो गाइस वो देखो मम्मी, तो पहला लड्डू जा चुका है इनके हाथ। सो फिलहाल गाइज मैं मम्मी को दे देता फोन और छोटे मोटे शॉट लेने के लिए बोल देता, लेकिन मम्मी कैमरा अच्छे से पकड़ नहीं पाती, तो जो भी टेक लेना था मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत, तो अभी फिलहाल बांट देगी मम्मी, फिर अच्छे से आएगी, फिर दूसरी वाली थाली लेके जाएगी। तो लगता है गाइज मम्मी आ गई है, सबको हो गया कुछ, नहीं तो मैंने तो बोला था कि अगर कोई एक्स्ट्रा मांगे तो एक्स्ट्रा दे देना, कोई उसको लड्डू दे दिए, मिठू के दे दिली, कोमल ही दे दिली, कुछ बचा है ओकरा साथी वाली जरूर दे दिली, नहीं ठीक है ऐसे साथ में रहे तो एक दो दे दे, अब ओकरा देती है, 2 लड्डू बचा है गाइस, देखो राजू पापा के, ये 2 लड्डू राजू अंकल का है, उनको नहीं पड़ा है अभी तक,
ये दो लड्डू एक अंकल को दिया जाएगा, तो वो जब आएंगे जब उनको दे देंगे। तो फिलहाल पूरे घर में जितने मैं लड्डू लेके आया था पूर्ति हो चुकी है। मुझे लग रहा था ये कम पड़ जाएगा तो मैं और लेके आऊंगा। और छूट गया, कौन छूटा? वो है नहीं, जो लोग नहीं है घर के अंदर उनको कैसे। सो गाइस मैं इस चीज को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अभी फिलहाल मेरा बाबू एकदम उठ चुका है, लगभग ये दोपहर के 2 बजे से जो सोया है अब जाके उठेगा। आज ये दिन में सोया है ना, तो रात को हमें जगाने वाला है। और वैसे भी गाइस ये मुझे किसी भी रात को ना सोने नहीं दिया है, ना मुझे ना अपनी मम्मी को। और इसने अभी ऐसे नहीं, पानी गिरने की आवाज आती है ना, तो वैसी आवाज आई थी। और ये कुल बुला रहा था, मुझे लग रहा था कि इसे पेशाब लगा हुआ, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया, मुझे लगा कि थोड़ा और रेस्ट करने देता हूँ। पर इसने तो अभी 2 प्रकार की आवाज निकाल दी गई। एक तो सुर, दूसरी प्र। तो इसे फटाफट से निकालता हूँ गाइस। ओए 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 ओए, दिखाओ 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 चड्डी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुमने सुसु तो किया है, ये तो बात का कंफर्म हो चुका हूँ मैं इस चीज। एक मिनट दिखाओ, एक मिनट दिखाओ दिखाओ। तो नहीं क्या तुमने पैट पॉटी तो नहीं करी? बाबू ने पॉटी कर दी अनुपम। सीरियसली गाइस इसने सच में पॉटी कर दी है। अच्छा अच्छा, ज्यादा पैर ऊपर नहीं करना, ज्यादा पैर ऊपर नहीं करना। आए हाय आए हाय आए हाय, वरना हर तरफ मक्खन लग जाएगा। एक मिनट रुक जा अनुपम। मम्मी बाबू को बड़ा आनंद आ रहा है, इसने टट्टी कर दी। आए हाय, जल्दी आओ, इसने पॉटी कर दी। जूलू बोलो बाबू, देखो गाइस क्या पॉटी करी है इसने। वीडियो नहीं बनाया मैंने, बनाया नहीं, देखना ये 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 सब जगह लगा लेगा ना मम्मी, इसलिए मैंने इसके पैर पकड़ रखे हैं। हाय रे रामा, क्या मामा ताती करवा दे वीडियो बनवा। छर के मारने की गड़िया टूट चुके थे। ले ले ले, हां भागा ही हमारी बात। वो सब छोड़ो, पहले मेरी घी निकालो। रुको रुको रुको, अरे अरे अरे, ज्यादा पैल ऊपर नीचे मत करो बेटा, एक बच्चे को 2 लोग संभाल रहे हैं। अरे तेरे खाने की चीज नहीं है, इसको हर चीज खाने की लगती है। दे दे, जहर भी मिल जाएगा ना तो भी उसको खा लेगी गाइस। ये पागल लड़की, ये खाने की चीज है, बाबू का है, ये खाने की नहीं है। ये ये 2-3 दिन से ना कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रही है। इधर मार खा जाएगी। So guys, अभी मैं फिलहाल गया था मार्केट, लेकिन मैं मार्केट के मैं कुछ ज्यादा शूट किया नहीं। और इस टाइम गाइस क्या बताऊँ, सब्जियों के भाव इतने ज्यादा बढ़े हुए ना यार। मैंने पूछा शिमला मिर्च वाले भैया से, भैया कैसे शिमला मिर्च करे 35 रुपए पाव। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया, 35 दुनी 70, 70 दुनी 140 रुपए किलो शिमला मिर्च। ये है दिल्ली की केजरीवाल की सरकार में सब्जियों की महंगाई। और गाइस अंत में जाकर मैंने ये लिया आधा किलो करेला, जो कि मुझे भाई सब्जियों का भाव तो बताना मुझे ज्यादा लाजमी लगता नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारा ये ब्लॉग जो है, जो चीज है नेचुरल है भाई, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, बस जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। और फेक चीज मैं दिखाना नहीं चाहता। तो ये मैं आधा किलो लेके आया हूँ करेला, जो कि मुझे पड़ा 20 रुपए का। और आज हमारे घर के अंदर बन रही है ये देखो परवल, ये मैंने खुद काटा है गाइस, ध्यान से देख लो आप। और इसके अंदर सिर्फ बनेंगे 3 आलू, क्योंकि सुबह की थोड़ी सी सब्जी बाकी है। तो आलू और परवल की बनेगी लटपट वाली सब्जी। और यहाँ तक मेरा सफर था, बाकी जो सफर है जो कैमरामैन है ना पीछे वाले उनका है, तो वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी 3 आलू इसको भी काट देता हूँ, और इसके बाद खाना खाने के वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे